गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्मेशन एंड पावर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन्स। थ्री का साइकिल इंजन्स जो हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन की वर्किंग प्रोसेस एंड देन उसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में स्टडी किया था। तो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में आप लोगों के फोर स्ट्रोक होते हैं, मीन्स पिस्टन फोर टाइम्स अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, क्लियर। एंड क्रैंकशाफ्ट जो होती है 2 रेवोल्यूशंस करती है, देन वी गेट 1 पावर स्ट्रोक, तब हमें जाके एक शक्ति प्रहार मिलता है। अब जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इसमें क्या है, स्ट्रोक मीन्स TDC to BDC या फिर BDC से TDC के बीच की लेंथ। तो पिस्टन आपका TDC BDC और BDC TDC, यानी कि 2 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो इसीलिए इसका नेमिंग दिया अपने 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पिस्टन जो होता है उसकी 2 मूवमेंट होती हैं और एक पावर स्ट्रोक होता है। इस वर्किंग प्रोसेस में मेनली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हमें 2 ही स्ट्रोक मिलते हैं, कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन स्ट्रोक, देन पावर स्ट्रोक, ठीक है। एंड जो 2 स्ट्रोक होते हैं, कौन से, एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड सक्शन स्ट्रोक, वो इन बिटवीन उसके साथ ही कंप्लीट होते रहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिगर में देखते हैं अपने, इसमें मैंने पिस्टन की जो है मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में शो की है, ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन का सिंबल। तो ये BDC से TDC की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो क्या कर रहा है, इस चैम्बर के अंदर जो भी फ्रेश चार्ज अवेलेबल है इसको कंप्रेस कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ से जो फ्रेश चार्ज आपका एयर है कंप्रेसर CI इंजन के लिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए, एंड एयर फिल मिक्सचर फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, जो भी फ्रेश चार्ज है आपका वो इसके अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो आपका सक्शन एंड कंप्रेशन दोनों स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, कब, व्हेन योर पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम BDC टू TDC पोजीशन, क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद जैसे ये TDC पे पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होगा फॉर SI इंजन एंड फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन मीन CI इंजन, ठीक है। आपको जब भी वो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की वर्किंग, देन आप दोनों के लिए एक्सप्लेन करो जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अगर वो स्पेशली कोई पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के लिए मेंशन करे, देन आपको यहाँ पे दोनों को मेंशन नहीं करना। उस कंडीशन में अगर पेट्रोल इंजन पूछे तो आपको सिर्फ स्पार्क प्लग, अगर डीजल इंजन पूछे देन फ्यूल इंजेक्टर, और यहाँ पे सिर्फ एयर के लिए ही आपको मेंशन करना है इन केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्लियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग। अब क्या होगा, जैसे ये TDC पोजीशन पे पहुंचेगा आपका पिस्टन, तो क्या होगा, ये स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से यहाँ पे कंबशन मींस इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। इग्निशन स्टार्ट होगा तो गैसेस क्या होंगी, वो प्रेशर इसके ऊपर डालेंगी पिस्टन हेड के ऊपर, तो पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट होना शुरू करेगा। तो ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो की है TDC to BDC, तो यहाँ पे क्या होगा, गैसों का एक्सपेंशन मींस कंबशन होगा, मैंने कंबशन जस्ट शो किया, तो अब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा नीचे एक पोजीशन में ये शो की, जब TDC से जस्ट स्टार्ट हुआ ये नीचे आना, थोड़ी सी पोजीशन और डाउन हुई इसकी, मैंने यहाँ पे शो किया है, क्या शो किया है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया एंड ट्रांसफर पोर्ट आपका ओपन हो गया, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है एग्जॉस्ट पोर्ट वो आपका ओपन होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट देखिए, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होता है, हल्का सा ऊपर और ट्रांसफर पोर्ट हल्की सी नीचे। तो जैसे पिस्टन नीचे आएगा सबसे पहले किसको अनकवर करेगा, वो एग्जॉस्ट पोर्ट को, तो जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएंगी, और इन बिटवीन जैसे ही वो थोड़ा सा और नीचे आएगा तो आपका ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर पोर्ट से क्या होगा, जो फ्रेश चार्ज यहाँ से एंट्री करके हल्का कंप्रेस होकर इसके अंदर एंट्री होकर यहाँ से एंटर करेगा, तो ये सीधा बाहर ना निकल जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई, इसको बोलते हैं हम्प या फिर डिफ्लेक्टर, जो मैंने नेम यहाँ पर मैंशन किया, हम्प या फिर डिफ्लेक्टर। तो हम डिफ्लेक्टर क्या करेगा, इस फ्रेश चार्ज जो इनकमिंग है ट्रांसपोर्ट पोर्ट के जरिए उसको डिफ्लेक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। तो अपने फ्रेश चार्ज के लॉस को अवॉइड, लॉस से बचने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस हम्प या फिर डिफ्लेक्टर, और ये फिर नीचे जाने से आने के बाद फिर से ऊपर उठेगा तो अपना फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपना साइकिल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक है मीन्स पावर स्ट्रोक है ना, तो इस पावर के दौरान आप एग्जॉस्ट भी कर रहे हो, तो पिस्टन जैसे TDC से BDC आ रहा है तो एक्सपेंशन भी कर रहा है, पावर स्ट्रोक भी मिल रहा है, और कुछ टाइम बाद आपको एग्जॉस्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया, तो आपका पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर आपका सक्शन स्ट्रोक एंड
कंप्रेसर स्ट्रोक दोनों कंप्लीट हो गए, यानी कि एक स्ट्रोक में आपके दो इवेंट कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर? ये आपके कंप्रेशन, सक्शन, एक्सपेंशन, ये सभी इवेंट होते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? पिस्टन का मूवमेंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब यहाँ पे देखो पोर्ट नेमिंग क्यों दिया आप लोगों ने। अब फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं इस टाइप से, वो वाल्व ऊपर नीचे होते हैं, उसके लिए कैम गियर लगा होता है, तो इसीलिए इनलेट या एग्जॉस्ट ओपन क्लोज होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका जस्ट एक पिस्टन सिलेंडर है, सॉरी इंजन का सिलेंडर है, इसके अंदर हमने छेद कर दिए, ठीक है, ये छेद। अब ये छेदों को कवर या अनकवर, बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, कौन कर रहा है ये काम? आपका पिस्टन। तो पिस्टन की मूवमेंट से आपके ट्रांसफर पोर्ट, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन या क्लोज होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं कवर या फिर अनकवर। तो पिस्टन की मूवमेंट उनको कवर या अनकवर करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट की, पी है ना, ये पी 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 फॉर पोर्ट, पी ओ आर टी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे मेंशन किया है। टी पी मीन्स ट्रांसफर पोर्ट, ये वाली पाइप। ई पी मीन्स एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ से जैसे गैसेस बाहर निकलेगी आपकी। आई पी फॉर इनलेट पोर्ट, जहाँ से आपका फ्रेश चार्ज एंटर करेगा। तो पोर्ट मीन्स क्या होता है, पोर्ट मीन्स हिंदी में बोलते हैं छिद्र, छेद या फिर होल। आपने सिलेंडर के अंदर होल कर दिए, उन होलों को कवर या अनकवर करने का काम आपका पिस्टन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आप लोग कुछ जैसे कंपैरिजन है फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में आप कर सकते हो सिंपली। कैसे? एक तो देखो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में आपके फोर स्ट्रोक थे, क्रैंकशाफ्ट की दो रेवोल्यूशंस थी और एक पावर स्ट्रोक था। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या आपका टू स्ट्रोक्स हैं, और हर एक स्ट्रोक में देखो यहाँ पे स्टडी करें तो ये आपके क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन यहाँ से यहाँ हाफ रेवोल्यूशन, देन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि वन रेवोल्यूशन, इसका वन एक चक्कर कंप्लीट हो गया आपका टू स्ट्रोक में। तो इस टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है, आपका टू स्ट्रोक में आपकी एक रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट की कंप्लीट होती है, और हर एक रेवोल्यूशन पे अपने को पावर स्ट्रोक मिलता रहता है। उसमें क्या था, दो रेवोल्यूशंस होती है एक पावर स्ट्रोक, इसमें हर एक रेवोल्यूशन पे अपने को पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो अपने यहाँ पे देखो कंपैरिजन, इसमें पॉड यूज़ करते हैं, उसमें वाल्व यूज़ करते हैं, इसमें हर एक रेवोल्यूशन पे अपने को पावर स्ट्रोक मिलता है। फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में दो रेवोल्यूशन पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है। अब इसमें हर एक रेवोल्यूशन पे पावर स्ट्रोक मिलता है, तो टू स्ट्रोक इंजन की पावर भी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो अपने कह सकते हैं टू स्ट्रोक साइकिल इंजन की पावर ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे फ्रेश चार्ज का लॉस के चांसेस हैं, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में लॉस के चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि फ्यूल लॉस होने के चांसेस रहते हैं, और फ्यूल साथ में धुएं के साथ एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर निकलता रहता है। हो सकता है कुछ अनजला फ्यूल इसके साथ आ जाए तो वो बाहर धुआं निकलते के साथ साथ जलता रहे, तो इसमें जो गैस, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो क्लियर नहीं होती, स्मोक वाली हो सकती हैं, क्योंकि फ्रेश चार्ज भी उसके साथ बाहर निकल सकता है, तो इसलिए इसमें जो एग्जॉस्ट मिलता है वो थोड़ा सा धुएँ वाला मिलता है अपने को, ठीक है। तो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में बिल्कुल क्लीन क्लियर स्मोक मिलता है, इसमें ऐसा नहीं मिलता। और अपने इसमें बोले इसकी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक रेवोल्यूशन पे अपने को पावर स्ट्रोक मिल रहा है, पावर ज़्यादा होती है तो क्रैंक के अंदर जो फ्रेश चार्ज आ रहा है इसको ये कंप्रेस भी करेगा, और ये चैम्बर आपका गर्म भी हो जाएगा, हीटअप भी हो जाएगा, तो ये सिस्टम पूरा हीटअप भी हो जाएगा, क्योंकि पावर ज़्यादा है इसकी, तो इसको कूलिंग की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाएगी। सेकेंड, पावर ज़्यादा तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। थर्ड और चीज़ बोले तो इसमें जो फ्रेश चार्ज इसके अंदर एंट्री करेगा उसमें अपने को कूलेंट मिक्स करना पड़ेगा। क्यों कूलेंट मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट डेवलप हो रही है, क्योंकि ये हर एक रेवोल्यूशन पे पावर मिल रही है अपने को, तो यहाँ पे हीट डेवलप को, हीट जो है डेवलप हो रही है, इसको हीटिंग से बचाने के लिए इस फ्रेश चार्ज के अंदर अगर आप हवा भेज रहे हो सी इंजन के लिए, या फिर हवा और ईंधन का मिक्सर भेज रहे हो फॉर एसआई इंजन, तो उसके साथ कूलेंट मिक्सर की भेजना पड़ेगा। तो पुराने टाइम में जो मोपेड स्कूटर जो होते थे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन पे बेस्ड होते थे, तो उनकी टंकी में जब तेल डलवाते थे हमने पेट्रोल, तो उसके साथ में टूटी ऑयल डालते थे, और टूटी ऑयल यही काम करता था कूलेंट का, वो उसके साथ मिक्स होके इसको कूलिंग का काम करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना टू स्ट्रोक साइकिल इंजन की वर्किंग थी। अब आप लोग इसमें और भी काफ़ी कंपैरिजन हैं, वो आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगा और कौन कौन से कंपैरिजन कर सकते हैं फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के बीच में। एंड देन नेक्स्ट क्लास में अपने स्टडी करेंगे कि ये जो पोर्ट हैं इनका खुलने और बंद होने का क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन में कितने डिग्री पे खुलता है कौन सा, और कितने डिग्री पे कौन सा क्लोज होता है। जैसे अपने लोगों ने फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए स्टडी किया था वाल्व टाइमिंग डायग्राम, तो इसके लिए भी अपने वाल्व टाइमिंग डायग्राम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।